हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरेकल। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट टूर ऑफ ड्यूटी। अपकमिंग फ्यूचर में अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो टूर ऑफ ड्यूटी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस टूर ऑफ ड्यूटी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, किस तरह की ये सर्विस होगी, इसके साथ ही साथ ये देशवासियों और गवर्नमेंट को किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है। सो लेट्स बिगिन। कुछ दिनों पहले हमें वेरियस सोर्स के थ्रू ऐसे आर्टिकल पढ़ने को मिले थे, लाइक ये आर्टिकल द हिंदू से है, आर्मी प्रपोजेस 3 इयर्स स्टिंट फॉर सिविलियंस। पर आपको बता दें, ये सारे डिस्कशन मीडिया हाउस की सोचते हैं केवल। भारत सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। इस मॉडल का सपोर्ट करते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा है, ये यूथ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने आर्मी को एक लेटर लिख के ये भी कहा है कि महिंद्रा ग्रुप ऐसे कैंडिडेट को जॉब के लिए कंसीडर करेगा, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत रहकर जो मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी इन कैंडिडेट्स को, वो वास्तव में इनके वर्किंग स्किल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छे साबित होगी। कंटेक्स्ट की बात करें तो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट टर्म कमीशन के अलावा इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक 3 ईयर शॉर्ट टर्म सर्विस स्कीम पर बात चल रही है, जिसे एक तरीके से इंटर्नशिप विद मिलिट्री भी कहा जा सकता है। ये मिलिट्री लाइफ का एक टेम्पररी एक्सपीरियंस होगा, और जो लोग मिलिट्री में अपना फुल टाइम करियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो इस शॉर्ट टर्म 3 ईयर शॉर्ट सर्विस के थ्रू देश की मिलिट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और चूंकि ये एक शॉर्ट टर्म सर्विस है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस मेंटली या फिजिकली इजी होगी। ये CBS या NDA एग्जाम जैसा ही इक्वली टफ होगा। जो इनिशियली इस मॉडल में टेस्ट होगा, उसके लिए 100 ऑफिसर्स और 1000 मेन को रिक्रूट किया जाएगा, जो भारत की 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ मिलकर के 3 साल के लिए इंडिया को सर्व करेंगे। बात करें आर्मी की रिक्रूटमेंट टाइप की, तो आर्मी में अभी भी 2 प्रकार से रिक्रूटमेंट होती हैं। एक वो जो परमानेंट सर्विस कमीशन के अंतर्गत है, यानी वो अपना पूरे करियर आर्मी में बिताएंगे और इनकी रिटायरमेंट होगी एट द एज ऑफ 54 और 58, जो कि रैंक पे डिपेंड करती है। और दूसरी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत आते हैं, जो कि 10 या 12 या फिर 14 ईयर्स तक आर्मी में सर्विस देते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी ऐसे सोल्जर्स या ऑफिसर जो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें परमानेंट सर्विस कमीशन में शामिल कर लिया जाता है। पर ऐसे लोगों की संख्या काफी कम होती है, और ये किसी इंडिविजुअल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क पर डिपेंड करता है। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि परमानेंट सर्विस कमीशन की अकेडमीज जहाँ ट्रेनिंग कराती हैं, वो है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी इन पुणे, और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। वही शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग जहाँ होती है, वो है OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। वापस से बात करें टूर ऑफ ड्यूटी की, तो ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम होगा, यानी ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड होगा कि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे 1 ईयर या 2 ईयर कंपल्शन होता है आर्मी में सर्विस देने का। फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील, फ्रांस, ग्रीस, कतर, रशिया, एंड लिस्ट इज टू लॉन्ग टू डिस्कस हियर। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। टूर ऑफ ड्यूटी USA में यूज किए जाने वाला टर्म है, मे बी इसका टर्म इंडिया में कुछ और यूज हो।
इस 3 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम से आर्मी को ये बेनिफिट होगा कि उन्हें बेस्ट टैलेंट को आर्मी में शामिल करने का मौका मिलेगा और आम नागरिकों को जो इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करेंगे सर्विस देकर के मिलिट्री लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो मिलिट्री लाइफ के थ्रिल और एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पर इसे एक परमानेंट करियर के ऑप्शन में नहीं देखते हैं। पर फिर भी ये एक सीरियस काम है और इसमें जो भी कैंडिडेट्स को चुना जाएगा उसके लिए एक प्रॉपर फिजिकल और मेंटल टेस्ट होगा। ये बेसिकली परमानेंट सर्विस से टेम्पररी सर्विस फॉर 3 ईयर्स के लिए शिफ्टमेंट है और ये सर्विस टैक्स फ्री भी हो सकती है, यानी आपको 3 ईयर्स की अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही साथ 3 ईयर्स सर्विस के बाद आप कोई भी इंडिविजुअल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर सकता है और ऐसे कैंडिडेट्स को पब्लिक सेक्टर जॉब में भी प्रेफरेंस मिलेगा। टूर ऑफ ड्यूटी बोथ ऑफिसर्स और जवान लेवल दोनों के लिए होगा और इससे ये फायदा होगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद जब 10 या 14 ईयर्स बाद लोगों को आर्मी मैन को रिटायरमेंट मिलती है तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन टाइप की हो जाती है क्योंकि ऐसे टाइम वो अपने मिड 30s एज में होते हैं। तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन से भी आर्मी के ऑफिसर्स को या फिर जवान लेवल्स को छुटकारा मिलेगा क्योंकि 3 ईयर की सर्विस कमीशन के बाद रिटायरमेंट होगा और न्यू रिक्रूटमेंट होगा और साथ ही साथ आर्मी जो सैलरी और पेंशंस अपने आर्मी मैन पे खर्च करती है उससे भी कमी आएगी। देयर विल बी नो डाइल्यूशन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे कि पहले ही मैंने बताया, सिलेक्शन के लिए जो भी एग्जाम्स या फिर मेंटल एबिलिटी होती है या फिर जो भी क्राइटेरिया होते हैं आर्मी उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी। बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इससे फायदा क्या हो सकता है। ये जो इंटर्नशिप होगी 3 ईयर्स की, इस पे जो गवर्नमेंट का कॉस्ट आएगा वो शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक फ्रैक्शन ही होगा सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आर्मी मैन शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जब 10 ईयर्स या 14 ईयर्स आर्मी नेवी या एयरफोर्स में सर्व करता है तो पर पर्सन उसकी एक्सपेंडिचर आती है जो गवर्नमेंट उस पर करती है वो 5 करोड़ to 6.8 करोड़ होता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग, पे अलाउंसिंग, ग्रेटुइटी, लीव इनकैशमेंट सब इंक्लूड होता है। वहीं इस 3 ईयर सर्विस से जो कॉस्ट आएगी वो सिर्फ 80 लाख टू 85 लाख होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स में भी बहुत से ऑफिसर्स को परमानेंट सर्विस कमीशन में इंक्लूड कर लिया जाता है जिससे पेंशन बिल जैसे कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। इस 3 ईयर टूर ऑफ ड्यूटी में एक इंडिविजुअल केवल 3 ईयर्स तक ही सर्विस दे सकता है जिससे गवर्नमेंट को जो पेंशन में खर्च होता है उसमें काफी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे जवान जो आर्मी में 17 ईयर तक सर्विस देते हैं थ्रू परमानेंट सर्विस कमीशन को अगर हम इस 3 ईयर सर्विस से कंपेयर करें तो 17 ईयर सर्व करने के लिए 5% की रिक्रूटमेंट होगी और इससे अगर हम लोग किए गए खर्च में कंपैरिजन करें तो भी कैलकुलेट करने पे अप्रोक्सीमेटली ₹11.5 करोड़ की सेविंग का अनुमान है। आम नागरिक और देश को होने वाले बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो हमारे कंट्री में यूथ है उसकी पोटेंशियल को एक अच्छी डायरेक्शन में यूज करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो आर्मी की कटिंग ट्रेनिंग और हैबिट्स इनकल्कुलेशन होती है उससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे यूथ में डेवलप होगी। कंट्री में जो यंग मैन और वुमेन है उनके अंदर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ऐसे चीजें देखने को मिलेगी जो कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए काफी अच्छा साबित हो सकती है। एक इनिशियल सर्वे में पाया गया है कि ऐसे लोगों को जो कि इस इंटर्नशिप के थ्रू गुजरेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर इन्हें अपने यहाँ रिक्रूट करने के लिए काफी आगे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि महिंद्रा ग्रुप्स के मालिक आनंद महिंद्रा ने इसकी फर्स्ट अप्रोच शो की है। गवर्नमेंट का ऐसे कदम उठाने के पीछे मुख्य कारण है देश में कोरोना वायरस के कारण आए आर्थिक तंगी।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए गवर्नमेंट को अपने बजट का एक बड़ा चंक इस फिल्म में यूज करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार अपने डिफेंस बजट का 40% तक कम करने की सोच रही है, जिससे कि 80,000 करोड़ की सेविंग हो सकती है। डिफेंस बजट को कम करने के साथ सरकार उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, इसलिए वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के द्वारा सैलरी और पेंशन में होने वाली खर्च में कटौती करने की कोशिश में है। आर्मी का पे एंड पेंशन बिल उसके टोटल बजट एलोकेशन का 60% है। पिछले 5 सालों की बात करें तो डिफेंस बजट में 68% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं उसके डिफेंस सैलरी में 75% और पेंशन में 146% का ग्रोथ रहा है। यही कारण है कि सरकार अपने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के द्वारा इस ग्रोथ को रोकने की कोशिश में है। इसके साथ ही साथ ये स्कीम कंट्री के यूथ में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी प्रबल करेगी और बेरोजगारी, जो भारत की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है, उसमें भी राहत मिलेगी। इस टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप के साथ साथ सरकार को चाहिए कि वो अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन को भी और अट्रैक्टिव बनाए। साथ ही साथ सरकार ये भी कर सकती है कि आर्मी जवान, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के रिटायरमेंट एज को बढ़ा दे, जिससे कि ट्रेनिंग में होने वाले खर्चों में थोड़ी राहत मिले। इस टॉपिक पे आप लोगों की क्या राय है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।